हेलो दोस्तों, एडू ब्लॉसम चैनल में आपका स्वागत है। भारत सरकार के सबसे बड़े नेशनलाइज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की तरफ से साल 2022 के लिए 1673 प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ की वैकेंसीज की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आज की इस वीडियो में आपको 1673 पीओ की डिटेल जानकारी देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की, तो आपकी स्क्रीन पे हमने ब्रेकअप दिखा दी है। जनरल कैटेगरी के पीओ टोटल 648 वैकेंसीज हैं, ओबीसी पीओ 432 वैकेंसीज है जिसमें 32 वैकेंसीज बैकलॉग की हैं। एससी कैंडिडेट पीओ की 240 वैकेंसीज हैं, एसटी की 120 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 160 वैकेंसीज हैं। इसको टोटल करके 1673 प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसी बनती है। अगर हम बात करें सैलरी की, तो गवर्नमेंट स्केल हमेशा अच्छे माने गए हैं, तो इनमें भी जो स्टार्टिंग पे स्केल है वो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 होगा, जिसमें स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 41,960 विद 4 एडवांस इंक्रीमेंट होगा। पे स्केल आपका 36,000 से लेकर 63,840 है। इन एडिशन टू द स्केल आपको डीए, एचआरए, लीज रेंटल, सीसीए, मेडिकल और अदर अलाउंसेज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको एप्लीकेबल होंगे और टाइम टू टाइम इनमें इंक्रीमेंट लगता रहेगा। अगर हम बात करें एज लिमिट एज ऑन 1 अप्रैल 2022 की, तो मिनिमम एज लिमिट 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर होनी चाहिए। इन एडिशन टू दैट एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स होगी। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन है, तो आप इन पोस्ट के लिए, पीओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन इंक्लूडिंग एडिटिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट होगा 22 सितंबर 2022 से। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन एंड पेमेंट ऑफ फीस है 12 अक्टूबर 2022। डेट्स फॉर डाउनलोड ऑफ प्रीलिम एग्जामिनेशन का लेटर है 1st और 2nd वीक दिसंबर 2022 ऑनवर्ड। डेट फॉर फेज 1 ऑनलाइन प्रीलिम एग्जामिनेशन है 17, 18, 19, 20 ऑफ दिसंबर 2022। डेक्लरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 में। डाउनलोड ऑफ मेन एग्जामिनेशन का लेटर होगा जनवरी 2023 या फरवरी 2023 में। डेट्स फॉर फेज 2 ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन भी जनवरी 23 या फरवरी 23 में हो जाएगा। डेक्लरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेन एग्जाम होगा फरवरी 2023 में। डाउनलोड ऑफ फेज 3 कॉल लेटर होगा फरवरी 2023 ऑनवर्ड। डेट फॉर फेज 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज होगा फरवरी या मार्च 2023 में। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस के लिए, तो जनरल ईडब्ल्यूसी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन और इंटीमेशन चार्जेस होंगे ₹750। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फीस नहीं है। पेमेंट का बोर्ड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग होगा। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इसमें टोटल 3 फेजेस होंगे, जिसकी डिटेल जानकारी अब हम आपको स्लाइड पे दिखा रहे हैं, जिसको आप पॉज करके भी रीचेक कर सकते हैं। सबसे पहले प्रीलिम एग्जाम होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें टोटल 100 नंबर का एग्जाम है 1 घंटे का। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के 1 घंटे का। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके नंबर काटे जाएंगे। प्रीलिम एग्जामिनेशन में कट ऑफ क्लियर के अकॉर्डिंगली ही मेन एग्जाम में एंट्री होगी, और अगर 1673 वैकेंसीज हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 10 गुना यानी तकरीबन 16,000 कैंडिडेट्स, टॉप 16,000 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मेन एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद फिर फेज 2 मेन एग्जामिनेशन होगा। जो फेज 2 मेन एग्जामिनेशन होगा उसमें 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा और 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करते हैं 200 नंबर का, तो उसमें टोटल 155 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 30, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के 50, इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन होंगे। ये 200 नंबर के पेपर 3 घंटे का होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसमें लेटर राइटिंग या ऐसे होगा, ये 2 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का होगा और 30 मिनट का होगा। तो टोटल 250 नंबर का ये मेन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आप प्रीलिम एग्जाम फेज 1 एग्जाम क्लियर करके ही बैठ सकते हैं।
अगर हम बात करें फेज थ्री की साइकोमेट्रिक टेस्ट का, तो बैंक में कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग, ये उनकी अकॉर्डिंगली पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंगली चेकिंग के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो टोटल 50 होंगे, जिसमें ग्रुप एक्सरसाइज के 20 नंबर हैं और इंटरव्यू के 30 नंबर हैं। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करेगा बैंक। अब हम बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की। तो जैसे हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि फेज वन के नंबर नहीं लगेंगे, फेज वन के नंबर सिर्फ एक मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, 10 गुना मेरिट लिस्ट बनाने के लिए काउंट होगा। फेज वन क्लियर करने के बाद आपने फेज टू मेन एग्जाम दे दिया, फेज थ्री साइकोमेट्रिक टेस्ट दे दिया। इन दोनों को क्लियर करने के बाद इसके जो नंबर आएंगे उस नंबर को नॉर्मलाइज किया जाएगा। उसकी कैलकुलेशन हमने आपको दिखा दी है कि पहले अगर हम बात करें मेन एग्ज़ाम की, जिसमें 250 नंबर थे, उसको टोटल हमने नॉर्मलाइज किया है 75 नंबर में, और जो आपका था ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू का साइकोमेट्रिक टेस्ट का 50 का, उसको कन्वर्ट किया गया है 25 में, यानी मेन एग्जाम के 250 को इक्वली कर दिया गया है 75 में, और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के 50 को कर दिया गया है 25 में। सो 75 जमा 25 100 नंबर में से रैशनलाइजेशन करके टोटल मेरिट लिस्ट बनेगी। इसको क्लियर करने के बाद रिजल्ट ऑफ प्रीलिम एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन और फाइनल रिजल्ट होने के बाद डिटेल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली फाइनल वेरिफिकेशन वेबसाइट पर जानकारी दी दी जाएगी। यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहे हैं कि कैंडिडेट के पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जब तक रिजल्ट निकल नहीं जाता, क्योंकि सारी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू ही आएगी। गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो एसबीआई ने अपने वेबसाइट पे करियर लिंक दिया है, जो आप दिखाए गए वेब लिंक यानी bank.sbi_careers पे या www.sbi.co.in_careers पे जाके ले सकते हैं। किसी तरह की प्रॉब्लम आने के लिए हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं 02-22-8204-26, जहाँ आप cgrs.ibps.in पे लॉगिन करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं विद द हेडिंग ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2023। सो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। भारत सरकार की तरफ से SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर पाने की ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी पूरी तैयारी करके एक अच्छी नौकरी लेने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे एडुब्लॉसम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। भारत सरकार की तरफ से और अलग अलग स्टेट की सरकार की तरफ से जो भी सरकारी नौकरियाँ निकलती हैं, हम रेगुलर अपडेशन एडुब्लॉसम चैनल में देते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आप उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सके। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।